GPS एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। समय कम बचा है, एग्जाम भी सर पर है, इतने कम समय में कैसे तैयारी होगी, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है टेंशन बढ़ती जा रही है। कहीं आपके मन में भी तो ये सारी बातें नहीं आ रही, कहीं आपको भी तो ये नहीं लगने लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है दोस्त, हाँ एक गलती जरूर हुई है कि तुमने अपना समय पहले सही से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज दो बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। तो सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, जितना भी समय बचा है उसको ये सोचने में तो बिल्कुल मत गंवाओ कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ और खुद से ये वादा करो कि आगे फिर कभी ये गलती मत दोहराना। बंद कर दो रोना और बंद कर दो पछताना। अब जितना भी समय बचा है उसका दिल से नहीं बल्कि दिमाग से इस्तेमाल करो। सब कुछ पढ़ने के बजाय केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ो, पिछले साल के पुराने पेपर पर रिसर्च करो, नोट करो कि क्या पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, और सिलेबस वाइज उन पेपर्स को सॉल्व करो। दूसरों को देखकर अपने टारगेट सेट मत करो, ना ही इस बात पर ध्यान दो कि किसने कितना पढ़ लिया। आपको बस एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना था और आपने कितना पढ़ लिया। अगर पढ़ते समय नींद आए तो 5 मिनट के लिए घर की छत पर टहलने चले जाना और अपनी किताब जरूर साथ में ले जाना। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि नींद भाग जाएगी। आप जिस भी टॉपिक पर कंफ्यूज हो रहे हैं उसको टिक करके अलग रख लीजिए। जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो इस टॉपिक को इंटरनेट पर या अपने किसी बड़े भाई बहन या दोस्त से पूछ लीजिए, लेकिन उस टॉपिक के बारे में सोच सोच कर अपना टाइम बिल्कुल भी खराब ना करें। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने किसी भी दोस्त से किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस ना करें, ना ही खुद को जज करें, क्योंकि यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है या आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे मोबाइल पर गेम खेलते समय जब तक गेम कंप्लीट नहीं हो जाता सारा ध्यान, सारी इच्छा शक्ति और सारा फोकस उसी गेम पर रहता है, वैसे ही ध्यान और वैसे ही फोकस अब पढ़ाई में लगाना है। चाहे नींद आए या तूफान आ जाए, नजरें किताब से हटनी नहीं चाहिए। लाखों में एक बंदा आईएएस बनता है, हजारों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि ये लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता, इनका ध्यान आने वाले रिजल्ट पर रहता है, और तुम्हारा ध्यान भी आने वाले रिजल्ट पर ही होना चाहिए। कोयला भी हीरा बनने के लिए लाखों साल तक कई टन का दबाव झेलता है। कितनों की तकदीर बदलनी है, तुम्हें कितनों को रास्ते पर लाना है, अपने हाथ की लकीरें मत देखो, तुम्हें इनसे भी आगे जाना है। दोस्तों चीज उतनी मुश्किल होती नहीं जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। तो सोचना बंद करो, पछताना बंद करो। किसने कहा कि दुनिया में करिश्मे नहीं होते, तुम एक बार जी जान से कोशिश तो करो। दोस्तों सिलेबस वाइज पुराने पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिस्टमैटिक तरीके से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि क्या और कितना पढ़ना है। इसकी पूरी प्रोसेस मैंने अपने ऑडियो में बताई है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर आप उस ऑडियो को सुनिए, ताकि आपको कम समय में अच्छे मार्क्स लाने का मटेरियल मिल सके। तो दोस्तों माना कि समय कम बचा है, लेकिन अब भी अपने एक एक सेकंड का बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिए और परीक्षा में ऐसा रिजल्ट लाकर दिखाइए कि सारी दुनिया देखती रह जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन